तो अब मुन्ना यादव पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। हाल ही में उसके बेटे और उसकी गिरफ्तारी कर ली गई थी क्योंकि उसने पुलिस की टीम पर हमला किया जब एक सिपाही घायल हुआ और उसके बाद इलाज के दौरान सिपाही की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही योगी सरकार ने इंसाफ कर दिया था कि इस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए जल्दी उसकी गिरफ्तारी की गई और अब उसके घर पर कार्रवाई की गई है, बुलडोजर एक्शन हुआ है। इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक एक करके सभी का रुख करते हैं, परिचय आपका करा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ रहे हैं और साथ ही विवेक पांडे नेता एसपी से हमारे साथ हैं, एक के धर द्विवेदी हैं, पूर्व आईपीएस हैं आप, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही इस वक्त हमारे सहयोगी अतीक अहमद भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक एक करके सभी का रुख करते हैं, पहले अतीक के पास आपको लेकर चलते हैं लखनऊ। अतीक, जल्दी से आप कुछ लोगों से बातचीत करिए, लखनऊ की जनता क्या कह रही है इस तरह बुलडोजर एक्शन को लेकर, वहां पर किस तरह का माहौल? देखिए, लगातार ये बात चल रही है कि योगी सरकार ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है जो लगातार क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाए हुए थे और कई मुकदमे दर्ज थे। अब जिस तरह से मुन्ना यादव की कार्रवाई हुई है, इसे क्षेत्र में कहीं ना कहीं बात जो है लगातार चल रही है। आज पूछते हैं, लगातार कार्रवाई चल रही है सरकार कर रही है ऐसे माफियाओं के ऊपर और उनके ऊपर घर पर जो है चल रहा है बुलडोजर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जाहिर सी बात सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, जो कार्रवाई कर रही है बहुत बेहतर है। उत्तर प्रदेश का जनमानस काफ़ी ही अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है, खौफ से जीने वाला। इसके पहले आप अगर देखिए, मुन्ना यादव की बात हम करते हैं तो 2005 में जब पहली बार हिस्ट्री सीटर बना तो उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर रहे और कहीं ना कहीं मुन्ना यादव जेल से जब 2014 में रिहाई होकर आया तो आप देखिए 8 साल तक वो घर से बाहर नहीं निकला। कहीं ना कहीं इस बात का एक प्रमाण है कि योगी आदित्यनाथ जी का जो डर है, जो बुलडोजर का डर है, वो कहीं ना कहीं अपराधियों के बीच में है। इस नाते जब उसकी पत्नी पहली बार चुनाव जीत के 500 से जीत, तब तक वो अपनी पत्नी के वोट डालने तक नहीं गया और उसके बाद जब चुनाव हार गई तो गए। खौफ ना होता तो 8 साल जेल से निकलने के बाद 8 साल वो बाहर नहीं निकला, घर के अंदर पैक रहा, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को प्रधानी चुनाव लड़ाता वो वोट डालने नहीं गया, तो एक खौफ ही है। आप बताइए, क्या लगता है कि सरकार का खौफ लगातार अपराधियों के अंदर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, अब कार्रवाई लगातार हो रही है लेकर? देखिए, मैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया जनाब योगी आदित्यनाथ साहब के कानून से सहमत हूँ, लेकिन अपराधी अपराधी होता है। मैं जिस तरीके से उनके मुन्ना यादव के घर पर बुलडोजर चला, मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुखिया जनाब योगी आदित्यनाथ साहब से मांग करता हूं, बीएचयू में छात्रा के साथ में जिस तरीके से 3 लोगों ने बलात्कार किया, उन बलात्कारियों के घर पर कब बुलडोजर चलेगा और उनको कब फांसी की सजा होगी, आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं। आप कहता है कि जो बात चल रही है कि अपराधी अपराधी होता है, चाहे कोई भी अपराधी हो, चाहे किसी तरह का हो, तो जो कार्रवाई हो रही है कितनी ठीक हो रही है? कार्रवाई बिल्कुल ठीक हो रही है, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो भय नहीं होगा और भय नहीं होगा तो कानून का राज नहीं होगा। तो ये माननीय जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कार्रवाई कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। देखिए, लखनऊ की जनता इस कार्रवाई से सहमत नजर आ रही है, जिन लोगों से अभी अतीक ने बातचीत भी की है। इस वक्त खास मेहमान भी हमारे से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। अतीक, मैं आपके पास अभी वापस लौटूंगी। एक ही धर द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, मैं आप ही से पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी, आप किस तरह से इस तरह की कार्रवाई को उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं और कितनी जरूरी है अपराधियों पर यह कार्रवाई? ये कार्रवाई जो अभी राजस्व विभाग और पुलिस द्वारा किया गया है, ये मुन्ना यादव के परिवार और उसके घर गिराने के संबंध में ये बड़ा सराहनीय कार्य है। दरअसल अपराधियों के विरुद्ध वर्तमान सरकार पिछले 5-7 वर्षों से बड़ी कार्रवाई कर रही है। इसके कई उदाहरण हैं, मुख्तार अंसारी हैं और अतीक अहमद हैं, कई और हैं जिनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ये सराहनीय कार्य है, ऐसे कार्य होते ही रहना चाहिए, इसमें कोई पुलिस को और प्रशासन को बहुत संतुष्ट हो जाने की आवश्यकता नहीं है। ये निरंतर कार्रवाई होते रहने चाहिए, इनके हौसले ताकि पस्त ही रहे हमेशा। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौट रहे हैं। विवेक जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी अब, क्योंकि शायद इस तरह की कार्रवाई इसलिए भी जरूरी हो जाती है अगर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाना है तो, लेकिन शायद ये उन सभी लोगों के लिए भी जवाब होगा जो लोग इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि जाति को देखकर, धर्म को देखकर कार्रवाई की जा रही है उत्तर प्रदेश में। अब मुन्ना यादव पर कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे विवेक जी? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा और ज्वलंत विषय आपने आज उठाया है और बहुत जरूरी है कि इस बात को योगी आदित्यनाथ जी और उनकी व्यवस्था समझे कि कैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज महिला अपराधों में नंबर 1 है, ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, और किस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या लगातार ग्राफ बढ़ती जा रही है।
तो मुझे लगता है मंचों से सरकार को यह बोलने से बचने की आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश से अपराधियों ने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ ढकोसला है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का अपराधीकरण लगातार जारी है। एक अपराधी को मारने मरवाने के लिए दूसरे अपराधी पैदा किए जा रहे हैं, और जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई बुलडोजर की, इसका स्वागत करता हूं मैं। और ये बहुत जरूरी है कि आप एक कड़ा संदेश दीजिए, लेकिन वो संदेश आप हर वर्ग हर जाति के माफियाओं को दीजिए। मेरा सीधा कहना है कि अगर आज आप अपराधी केवल मुन्ना यादव को मानते हैं क्योंकि उसने केवल गोली चलाई, तो मुझे लगता है कि उन पुलिस कर्मियों के घरों पे भी बुलडोजर चलने चाहिए थे जो लोग बिकरू कांड में संलिप्त थे, जो कन्विक्टेड पाए गए, जिन्होंने जल्दी से। उसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस की जब तक बॉर्डर स्कीम रहेगी, आप उत्तर प्रदेश से कानून क्या राज पूरी तरह स्थापित नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश पुलिस की बॉर्डर स्कीम टेक्निकल विषय है, मैं फिर कहता हूँ उसको दंडात्मक स्वरूप में लागू करिए। ठीक है, ये जिस तरीके से जवाब ले लेते हैं इसका, आलोक जी आप जवाब दीजिए। कमियों को लगातार बढ़ाए पड़ी है, उनकी व्यवस्था को चार बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही और उत्तर प्रदेश के क्या हालात है सब अच्छी तरीके से जानते हैं। 19 मार्च 2017 को जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्हें मालूम था कि उत्तर प्रदेश के हालात अगर बदलने हैं तो एक हाथ में शूल और दूसरे हाथ में फूल रखना होगा। आज उत्तर प्रदेश विकास की राह पर भी चल रहा है, और जो अपराधी हैं वो किसी भी जाति धर्म के हों, किसी भी जाति धर्म के हों, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हमने कुछ खास नहीं किया, हमने पुलिस का हाथ खोल दिया है। वो अपने हिसाब से जिसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं करते हैं, जो भी अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं बिना। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप एक अपराधी को खत्म करने के लिए दूसरे अपराधी को पैदा होना दे रहे। मैं उनके उनके आरोपों पे जवाब नहीं देना चाहता, हम जनता के लिए जवाब दे हैं। उनका तो मकसद क्या है कि वो कुछ ना कुछ निकालेंगे, वो खुश कभी होंगे ही नहीं। मुझे लगता है कि जो रणनीति उत्तर प्रदेश के लिए बनी आज वो कामयाब है। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, बरेली में, मेरठ में, किसी भी शहर में आप चले जाइए, लड़कियां बेखौफ होकर के रात में भी निकल सकती हैं। रात का जीवन इस तरह की नजर तो आप भी पेश कर सकते थे ना, ये इस तरह के स्टेप तो आप भी उठा सकते थे। आप ये तो मानेंगे ही ना कि आज प्रदेश में अपराधी खुद तख्तियां लेकर पहुंचते हैं थाने में सरेंडर करने के लिए और कसम खाते हैं प्रार्थना करने की। नहीं, मैं तो मानता हूँ कि आज जितने बलात्कार हो रहे हैं, संरक्षित बलात्कारों को शह देने वाली भाजपा है। आप बीएचयू की घटना को नकार तो नहीं सकते ना। बीएचयू की घटना में 3 दिन में चिन्हित किए गए थे वो, और 60 दिन तक उन्होंने मध्य प्रदेश में इन्हीं नेताओं के साथ प्रचार किया। राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाले भी भाजपा नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते नजर आते हैं। बांदा में भाजपा का पदाधिकारी बनाइए बलात्कार करता हुआ नजर आता है। खबरें तो सार्वजनिक पटल पे है ना, कैसे मान लें कि कानून का राज है भाई। अगर बीएचयू के जो बलात्कारी थे इनके भाजपा के, मुझे बताइए 60 दिन तक वो प्रचार कर रहे थे, कैसे आप ये मान सकती हैं कि क्या उस समय भाजपा नेताओं को इसका अंदेशा भी नहीं था, पुलिस के अधिकारियों को नहीं पता था कि ये बलात्कारी है, बलात्कार करके आए हैं, और उस बच्ची को 60 दिन तक मानसिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। एक लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी आप खुद सोच लीजिए। ये तो भाजपा के अरे सुन भी लीजिए कहा आपने बात भी, मंडप नहीं है, मंच नहीं है, सुन भी लीजिए, सुन भी लीजिए, उसका जवाब सुन लीजिए, सुन भी लीजिए। आपका समय जब था, आपका जब समय था तो याद कीजिए ना, ये लाल सिंह मंच पे क्या कहते थे, रेप जैसे वाकये पे क्या कहते थे, लड़के में गलतियां हो जाती है, यही कहते थे ना आपके मुलायम सिंह यादव जी, यही कहते थे ना। कभी आपने सवाल नहीं खड़ा किया अखिलेश यादव जी क्या करते थे, जिस बंगले में रहते थे उसके बगल में गायत्री प्रजापति क्या करता था, गायत्री प्रजापति क्या करता था, कभी आपने सवाल उसके ऊपर नहीं खड़ा किया ना। आज रेप के मामले में वो जेल में है, आज रेप के मामले में वो जेल में है, जरा इसको भी देखिए हुजूर यानी। आज हमारा हो, अपना हो, किसी भी दल का हो, किसी भी संगठन का हो, किसी भी जाति का हो, अगर उसने अपराध किया है तो जेल की सलाखों के लिए। आलोक जी मैं आ रही हूँ अभी आप दोनों के पास वापस। अशोक सर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार रुक कर लेते हैं। एक इधर जी, मैं आप ही का रुक करना चाहूंगी क्योंकि पहले भी हमने तस्वीर देखी और आज इस बात को तो मानना ही होगा कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेटी घर से बाहर निकलने में, चाहे वो रात का वक्त भी हो, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और शायद ये जो तस्वीर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से सामने आई है, क्या आप नहीं मानेंगे कि ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो इस तरह की चीजों में भी सियासत करने की कोशिश करते हैं कि धर्म को देखकर ही कार्रवाई कर रही है योगी सरकार? देखिए, अपने देश में, प्रदेश में लोकतंत्र है,
लोकतंत्र में हमेशा सदैव हुआ है कि जो विपक्ष रहता है वो सत्ता के राजनैतिक पार्टी के कार्यों की आलोचना करता है, वो अपनी जगह पर है, ऐसा है लोकतंत्र में, कहने की छूट है, लोग अपनी बात कहते हैं, सत्ता पक्ष अपनी बात कहता है, विपक्ष अपनी बात कहता है। और लेकिन बातों को थोड़ी देर के लिए अगर किनारे रख दें तो मैं जो सोचता हूं कि प्रदेश की जनता अगर सुरक्षित महसूस करती है तो माना जाएगा कि कानून व्यवस्था प्रदेश में अच्छा है। अगर प्रदेश की जनता असुरक्षित महसूस करती है, पुलिस आंकड़े जो भी हो, पुलिस आंकड़े देखने जनता नहीं जाती है, आंकड़े को किनारे करके अगर जनता असुरक्षित महसूस करती है तो माना जाता है कि इस समय स्थिति ठीक नहीं है। और जनता बहुत समझदार है, मैं जो नागरिक के रूप में देख पा रहा हूं पिछले 5-7 सालों में जो कार्रवाई सख्ती हुई है वो दिख रही है, ना केवल प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जनता, बल्कि ये चीज पूरे भारत में भी जहां कहीं भी चर्चा होती है वो सराही जाती है, सराही जाती है। ये अपने संदेश है, बड़ा स्पष्ट है, इसको बहुत ज्यादा विस्तार से कहने। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि और राज्य भी इस नीति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं अतीक, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अतीक सर, आप कुछ और लोगों से बातचीत करिए, वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, लगातार ये बात चल रही है कि जो कार्रवाई है ठीक है, मगर बीएचयू घटना को लेकर ऐसे कई अपराध हैं जिस पर सरकार देरी करती है, इस पर क्या कहना है आप? देखिए बिल्कुल नहीं, बीएचयू पे भी देखिए, जब गैंगरेप हुआ था बिल्कुल अपराधी का कोई जात धर्म नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जात धर्म नहीं है, 3 युवकों को गिरफ्तार तुरंत किया गया। अपराध के बाद जो बुलडोजर चलता, बुलडोजर सिर्फ अपराधी के रूप में नहीं, उनके द्वारा जब गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को वसूल कर अपने महल को बनाया जाता है, वो भी अवैध तरीके से, उस पर बुलडोजर चलने का प्रक्रिया अपनाया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा कर रही, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया जा रहा। लेकिन बीएचयू की जो घटना उस पर तुरंत गिरफ्तार किया गया। संविधान को हम हाथ में, भारतीय जनता पार्टी सदैव संविधान के माध्यम से ही सरकार चला रही है, हम जबरदस्ती, मुलायम सिंह की यादव की तरह हम नहीं कहेंगे, बच्चे हैं, गलती होती है, उनको 3 लोगों को तुरंत कार्रवाई किया गया, उसमें पटेल भी है, उसमें पांडे भी है, कोई जातीय समीकरण नहीं है, लोगों का अपना भय है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, सुनाते ऐसा आरोप लगाती है कि खाली जो है इस प्रकार से कोई, और तुरंत कार्रवाई हमने बीएचयू पर भी किया और यहां भी हम करने के लिए तैयार। आप बताइए कि लगातार कार्रवाई सरकार कर रही है ऐसे अपराधियों पर, और कहीं ना कहीं खौफ बन चुका है अपराधियों के अंदर, मगर कई अपराधियों में खौफ बन चुका है बुलडोजर को लेकर, मगर यह भी आरोप लगता है कि सरकार अपने ही जो भारतीय जनता पार्टी नेता है उन पर कार्रवाई करती नहीं है। अपराधी के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, अपराधी अपराधी होता है, उसका ना कोई जात है ना धर्म है, अपराधी के साथ कड़ा से कड़ा सलूक होना चाहिए। लेकिन साथ साथ जो अपराधी परिवारों में लाइसेंस दे दिए हैं लोग, उसकी जांच नहीं कर रहे हैं जो आप बताइए कैसे देखते हैं जो घटना लगातार होती है उसके बाद कार्रवाई सरकार तेजी में लाती है और बुलडोजर की नीति अब दूसरे जो स्टेट भी अपना रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए बुलडोजर की नीति ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर किसी ने अवैध बना रखा है तो सरकार उस जमीन को एक्वायर करके सरकारी दफ्तर क्यों नहीं खुलवा देती, उसमें अस्पताल क्यों नहीं खुलवा देती, उसमें स्कूल क्यों नहीं खुलवा देती, जमींदोज करना क्यों न्यायप्रिय है क्या? अगर अपराधी ने अपराध करके जमीन का कब्जाया है तो सरकार एक्वायर कर ले। ऐसी जमीने जो मुख्तार की थी उस पर कब्जा करके सरकारी आवाज बनाए जा रहे हैं, सरकारी आवाज, ये अच्छा कार्य है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये अच्छा कार्य है। लेकिन जो ऑलरेडी मकान बने हुए हैं उसको क्यों गिरा रहे हैं, उसके सरकारी दफ्तर खोले ना, सरकारी दफ्तर बनाने के लिए आपको खरीदना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है और बना बनाया मिल रहा है तो कितना अच्छा कार्य है। लेकिन माफी, अब लगता है कि कहीं ना कहीं माफियाओं में खौफ आ चुका है, अब डर है कहीं ना कहीं बुलडोजर का और कार्रवाई का, एनकाउंटर का। देखिए बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो अब मुन्ना यादव मारे गए हैं सक्रिय अपराधी हैं, ये सक्रिय जो निरंतर जो है पैसे के लोभ में पैसे को जमा करने, पूंजी जमा कर रहे, तो उसमें जो अपराध करते रहे, क्रियाशील रहे। अधिक आप बातचीत करते रहिए, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। एक बार फिर से आलोक जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक जी, ये तो आप मानेंगे ना कि बीएचयू की घटना ने सवाल जरूर उठाएंगे, क्योंकि 3 दिन में अपराधियों को चिन्हित तो कर लिया गया, 60 दिन लग गए लेकिन पुलिस को पकड़ने में, ये भी तो एक बड़ी लापरवाही पुलिस की रही है ना? देखिए योगी सरकार नाकाहू से दोस्ती, नाकाहू से बैर की नीट पर आगे बढ़ती है, इसी नीट पर चलती है। बनारस में जो वाकया हुआ था निश्चित रूप से वो वाकया नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसमें जो भी थे वो हमारे भी थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं, वो हमारे कार्यकर्ता थे, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। हम उस तरीके की सरकार नहीं है जब मुलायम सिंह जैसे लोग खड़े होकर के मंच पर कहते थे, रेप जैसे वाक्य में कहते थे कि लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है। हमारी सरकार वैसी सरकार नहीं है जब मुजफ्फरनगर में लड़कियों से छेड़छाड़ होती है और आजम खान फोन करके पुलिस को कहते हैं कि जो लोग छेड़छाड़ करते हैं छोड़ दे, हम वैसी सरकार नहीं है। जब
खनन मंत्री मुख्यमंत्री के आवास के बगल में अपने आवास में रेप करता रहता था, आज वो जेल में पिछले 5-6 सालों से रेप के मामले में। मुख्यमंत्री नहीं बोलता, मैं बड़े मामले जिला समय का अभाव है, आपको रुकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए और शामिल होने के लिए। तो देखिए जिस तरह बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जरूर इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग वो भी हैं जो इससे पूरी तरह सहमत नजर आ रहे हैं और इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि वाकई अगर उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करना है तो इस तरह की कार्रवाई होना जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए।